नमस्कार साथियों साथियों, आज हम इम्पोर्टेंट डिस्कशन एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण और इसकी क्रियाविधि के बारे में बात करेंगे। साथियों, ये अल्कोहल, फिनॉल और इथर चैप्टर का छठवां लेक्चर है और इससे पहले वाले अगर आपको लेक्चर देखने हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सिस्टमेटिक पढ़ाई करने का प्लान मिल जाएगा, सारे टॉपिक्स के वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप पहली बार अगर चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो शुरुआत करें आज अल्कोहल का निर्जलीकरण। साथियों, कई बार मैं जब रिएक्शन की बात करता हूँ तो मैं आपसे ये बात करता हूँ कि कोई भी रिएक्शन होती है वो मैकेनिज्म के थ्रू होती है, मतलब क्रियाविधि के थ्रू होती है। तो आज आपको मैं रिएक्शन बताऊँगा, अल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि बताऊँगा और ये अल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि कितने स्टेप में हो रही है, कैसे अल्कोहल का निर्जलीकरण हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट हो रहा है, बन रहा है, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, ये सारी बातें आज करेंगे। तो शुरुआत करें अल्कोहल का निर्जलीकरण। अल्कोहल का निर्जलीकरण, निर्जलीकरण वर्ड से पता चल रहा है कि निर्जलीकरण मतलब वाटर मॉलिक्यूल का निकलना। वाटर मॉलिक्यूल का निकलना क्या है? निर्जलीकरण। तो देखिए, अल्कोहल यहाँ पर अपन एथिल अल्कोहल ले रहे हैं। अल्कोहल में कौन सा अल्कोहल ले रहे हैं? एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल को मैं अगर लिखूँ CH3CH2OH, तो H2SO4 लेंगे, एक तो क्या लेंगे H2SO4 एंड क्या लेंगे एलुमिना। एलुमिना बोलो तो Al2O3, एलुमिना लेंगे H2SO4 और एलुमिना की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण करवाया जाता है। तो यहाँ देखिए, निर्जलीकरण मतलब वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकल रहा है तो H यहाँ से निकाल दूँ और ये OH यहाँ से निकल जाए तो ये हो जाएगा CH2CH2। क्या हो जाएगा? CH2CH2 ये बन जाएगा एथीन। क्या बन जाएगा? एथीन, या एथिलीन भी कह सकते हैं इसको सामान्य पद्धति में। एथीन प्लस क्या है? ये HOH, यहाँ का H और ये OH, इसको चाहूँ तो मैं क्या लिख दूँ भैया, H2O लिखूँ तो भी चलेगा या HOH लिखें तो भी चलेगा। तो यहाँ पर ये रिएक्शन हो गई, इसको कहते हैं सिर्फ रिएक्शन। अब ये रिएक्शन कैसे हो रही है ये अपने को पता चलेगा मैकेनिज्म से, क्रियाविधि से अपने को ये पता चलेगा, ठीक है। तो जब एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण H2SO4 और एलुमिना की उपस्थिति में 250 डिग्री सेल्सियस पर करवाया जाता है तब एथीन प्राप्त होता है। एथीन क्या है? एक एल्किन है। एथीन क्या है? एक एल्किन है। तो ये तो हो गए रिएक्शन भैया। अब ये रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू हो रही है तो यहाँ पे तीन स्टेप में होती है मैकेनिज्म। कितने स्टेप में होती है? तीन स्टेप में होती है। तो पहली स्टेप है प्रोटोनीकृत अल्कोहल का बनना। प्रोटोनीकृत अल्कोहल का बनना, प्रोटोनीकृत अल्कोहल का बनना पहली स्टेप है ये, या प्रोटॉन का जुड़ना भी कह सकते हैं इसमें। प्रोटोनीकृत अल्कोहल का बनना, तो इसको अगर मैं स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखूं, ध्यान से देखिएगा, ये लिख रहा हूं CH3CH2, ओके, और ये लिखा मैंने O और ये H। ऑक्सीजन के ऊपर भैया दो लोन पेयर प्रेजेंट रहते हैं। तो अभी जो ये जो H2SO4 जो लिया है, ये H2SO4 भैया, ये H2SO4 डिवाइड होता है किसमें होता है? H प्लस और HSO4 माइनस में डिवाइड होता है। तो यहाँ से अपने को क्या मिल रहा है? प्रोटॉन मिल रहा है, ठीक है। क्या मिल रहा है यहाँ से अपने को? प्रोटॉन अवेलेबल हो रहा है। तो पहले जो है ये जो है प्रोटॉन जो है ऐड होगा, यहाँ से जो ये प्रोटॉन मिला है ये ऐड होगा। रिएक्शन स्टार्टिंग में जो होती है वो होती है फास्ट होती है। क्या होती है? फास्ट रिएक्शन होगी, रिएक्शन फास्ट होगी और क्या बनेगा? प्रोटोनीकृत अल्कोहल।
तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन पे आके जुड़ेगा, तो हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है अभी बॉन्ड बनाने के लिए। इलेक्ट्रॉन कौन से काम में आएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन काम में आएंगे, दोनों लोन पेयर वाले। तो ऑक्सीजन अगर हाइड्रोजन को दे रहा तो इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखिए ये सी, ये एच, ये एच, ये एच और ये सी एच टू और ये O और ये H, एक लोन पेयर तो ये है और एक ये है, तो इस लोन पेयर का बॉन्ड बन गया और इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ गया? तो इसको कहेंगे अपन प्रोटोनिकृत एल्कोहल। क्या कहूंगा मैं? प्रोटोनिकृत एल्कोहल, ठीक है। ये इसी की क्या है, अपन क्रियाविधि देख रहे हैं, क्रियाविधि की अपन बात कर रहे हैं। तीन स्टेप में होगी, पहली स्टेप हो गई प्रोटोनिकृत एल्कोहल का बनना, दूसरी स्टेप में कार्ब कैटायन का निर्माण, दूसरी स्टेप में कार्ब कैटायन का निर्माण, कार्ब कैटायन का निर्माण, कार्ब कैटायन का निर्माण। तो ये प्रोटोनिकृत एल्कोहल लेंगे, इसमें से क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ये जो स्टेप है ये दर्द निर्धारक पद भी है, ये स्टेप स्लो होती है, क्या होती है, स्लो होती है, और कार्ब कैटायन का निर्माण होता है। यहाँ फास्ट था, यहाँ स्लो, यहाँ बात करेंगे अपन स्लो। तो ये पूरा पूरा यहाँ पर नकल कर लेते हैं, सी एच थ्री, फिर लिखूँ ये सी एच टू और ये O और ये H और ये H पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, लोन पेयर दिया इसने ऑक्सीजन ने, इसको बॉन्ड बनाने के लिए पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड पूरा पूरा अगर इस ऑक्सीजन के पास आ जाए, तो ऑक्सीजन ने जो लोन पेयर दिया था यहाँ बॉन्ड बनाने के लिए, वो लोन पेयर वापस इधर से मिल जाएगा, तो इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखिए C, ये H, ये H और ये H और ये C, और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं H, यहाँ पर H और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये बीच का बॉन्ड, बॉन्ड जो देता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर वापस क्या आ जाएगा, लोन पर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कैंसिल हो जाएगा। तो समझिए ध्यान से, ये H और ये O और ये H, एक लोन पेयर तो पहले से था, और ये बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, ये लोन पेयर में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये लोन पेयर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बना लिया। समझ रहे हो मेरी बात को? ये क्या है, कार्ब कैटायन, एथिल कार्ब कैटायन कह सकते हैं इसको, कार्ब कैटायन है ये, कौन सा कार्ब कैटायन है, एथिल कार्ब कैटायन। यहाँ तक समझ में आया? पहली स्टेप में प्रोटोनिकृत एल्कोहल बना, दूसरी स्टेप में कार्ब कैटायन बना, है ना, यह अभिक्रिया का क्या है, मंद पद है, स्लो स्टेप है, मंद पद है, और इसे क्या है, अभिक्रिया इसी से निर्धारित होती है। अब बात करें अपन थर्ड स्टेप, प्रोटॉन का विलोपन, तीसरी स्टेप है प्रोटॉन का विलोपन। ध्यान से देखिए, प्रोटॉन यहाँ पे ऐड हुआ था, अब वापस प्रोटॉन का विलोपन करवा रहे हैं, तो इसको जो है पूरा पूरा यहाँ लिख दूँ, सी एच 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 सी एच एच और ये पॉजिटिव चार्ज, ओके, प्रोटॉन का विलोपन है ना, क्या हो रहा है, प्रोटॉन का विलोपन हो रहा है इस पद, इधर देखिए यहाँ पर ये H प्लस, H प्लस के रूप में निकल रहा है ना, यहाँ का बॉन्ड पूरा पूरा ही यहाँ पर आ जाए तो क्या हो जाएगा, सी एच टू, डबल बॉन्ड सी एच टू, और अगर ये जो बॉन्ड है इन दोनों कार्बन के साझे में आ जाएगा तो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा। तो ये लिख लूँ मैं इसको सी एच, ये एच डबल बॉन्ड, ये सी एच और ये एच, या इसको ऐसे लिखूं सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू तो भी चलेगा, क्या है ये एथीन, ठीक है, प्लस ये एच प्लस, यहाँ का एच प्लस। तो जहाँ पर आपने जो शुरुआत में प्रोटॉन लिया था वो लास्ट में जाके वापस प्रोटॉन निकल जाता है, प्रोटॉन अपने को कहाँ से अवेलेबल हुआ, एच टू एस फोर से, तो ये एच प्लस वापस HSO4- के साथ रिएक्ट करके वापस क्या बना लेगा, H2SO4 बना लेगा। समझ में आया? आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं।
ठीक है, अब देखो आपको इसमें थ्योरी लिखने में क्या है, कुछ भी ज्यादा नहीं लिखना है, मैं जो कह रहा हूं वो लिखना है। यहां पर अपन क्वेश्चन बनता है अल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि को समझाइए, अल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि को समझाइए, या ऐसे भी बन सकता है कि अल्कोहल के निर्जलीकरण की अभिक्रिया लिखिए और क्रियाविधि को समझाइए। आंसर चालू करेंगे आप, जब एथिल अल्कोहल को H2SO4 और एलुमिना की उपस्थिति में 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तब एल्किन प्राप्त होता है। तब क्या प्राप्त होता है? एल्किन प्राप्त होता है। ये हो रहा निर्जलीकरण, निर्जलीकरण मतलब वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, H यहाँ से OH यहाँ से निकल गया, ये हो गया H2O निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और आपको मिल गया एथीन। ठीक है, अब आगे क्या लिखोगे? क्रियाविधि। तो एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि निम्न पदों में संपन्न होती है, एल्कोहल की निर्जलीकरण की क्रियाविधि निम्न पदों में संपन्न होती है। पहला पद लिखोगे प्रोटोनिकृत एल्कोहल का बनना, प्रोटोनिकृत एल्कोहल का बनना, तो इस पद में प्रोटॉन का इस पद प्रोटोनिकृत एल्कोहल का बनना इस पद में प्रोटॉन का एल्कोहल के ऑक्सीजन पर योग होता है और प्रोटोनिकृत एल्कोहल बनता है। यह क्या है? फास्ट है, तीव्र अभिवेग से यह अभिक्रिया होती है। ठीक है, फिर बात करेंगे कार्बोकेटायन का निर्माण। अगली स्टेप में क्या हो रहा है? कार्बोकेटायन का निर्माण, यह स्लो स्टेप है। ठीक है, यही इसी के ऊपर वेग निर्धारित होता है। इसमें H2O का मॉलिक्यूल निकलता है और कार्बोकेटायन मिलता है। ठीक है, H2O का मॉलिक्यूल निकला और क्या बना? कार्बोकेटायन। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब क्या है ये? कार्बोकेटायन। अगला नेक्स्ट स्टेप प्रोटॉन का विलोपन, या लिख सकते हो एल्किन का बनना, प्रोटॉन का विलोपन या एल्किन का बनना। इस पद में कार्बोकेटायन के, ठीक है, कार्बोकेटायन में कार्बन से एक हाइड्रोजन H+ रिमूव होता है, H+ रिमूव होता है और एल्किन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्किन प्राप्त होता है। ये कौन सा एल्किन है? एथीन है। ठीक है, एथीन, या इसको क्या कह सकते हैं? जब डबल बॉन्ड होता है तो क्या कह सकते हैं? एल्किन। तो यहाँ पर एल्कोहल के निर्जलीकरण पर अपने को क्या मिल रहा है? एल्किन प्राप्त हो रहा है। तो ये सिंपल स्टेप है, कुछ नहीं किया। आपको फिर एक बार और याद करवा देते हैं, अपनों ने क्या लिया? एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का फार्मूला CH3CH2OH, किसकी प्रेजेंस में? H2SO4 लिया प्लस Al2O3 लिया, एलुमिना लिया। अधिकतर रिएक्शन में जो निर्जलीकरण की क्रिया करवाई जाती है उनमें यही लिए जाते हैं, H2SO4 लिया जाता है, Al2O3 लिया जाता है। रिएक्शन समझ में आ गई होगी कैसे, CH2CH2 और H2O। क्रियाविधि की बात करी, मैदान में उतारा अपनों ने, किसको उतारा? एथिल अल्कोहल को। एथिल अल्कोहल पर किसको भेजा? प्रोटॉन का अटैक करवाया और प्रोटोनिकृत अल्कोहल बन गया। प्रोटोनिकृत अल्कोहल स्लो रिएक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल निकाल लेगा धीरे से और ये बन जाएगा कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन में से प्रोटॉन का विलोपन होगा और बन जाएगा एथीन बन जाएगा। ये प्रोटॉन यहाँ पे लिया था, वो वापस निकल गया, काम हो गया। मतलब कुल मिला के इस रिएक्शन में जो हो रहा है, क्या हो रहा है? H2O निकल रहा है और एल्किन बन रहा है। समझ में आया भैया? तो ये रिएक्शन आप अपने कॉपी में उतारिए और जो मैंने कहा वो अपने नोट्स में लिख लीजिएगा और हो सके तो अपने साथ में बुक्स का सहारा भी ले लीजिएगा, बहुत अच्छी तरह से ये रिएक्शन समझ में आएगी। ठीक है साथियों, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखिएगा और सभी को थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।